आज तो स्टडी इवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर हमें एडमिशन चाहिए तो वहाँ भी करप्शन है इन अ नेम ऑफ डोनेशन, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक क्षेत्र का या एक उदाहरण का मैं उपाय नहीं ढूंढूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आज ऐसे क्षेत्र में जहाँ करप्शन हट सकती है वहाँ करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। दूसरा है, हमारे में जो ईमानदार लोग हैं उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए कि भाई इकट्ठे होकर चंद बड़े लोगों को पकड़ कर अंदर करिए। इतनी बाहर हमारी देश में पैसा जमी है 70 लाख करोड़ रुपए, जिससे आपको 14 साल के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। इतना पैसा को लाने के लिए आप फोकस करिए, जो लोगों के पास नाम आ जाए उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रयास करिए, एक उत्साह पैदा करिए कि हमारे देश में करप्ट लोग पकड़े जा सकते हैं। ये नहीं निराशा फैलाओ, कुछ नहीं हो सकता, हम भी इसमें इसे शामिल होंगे। चलिए आप क्या कहना चाह रही हैं? करप्शन सर, ये बात होती है कि हमने केस डाला गवर्नमेंट में और कोई बंदा पॉवर्टी लाइन में और वो केस डाल रहा है तो उसकी कोई नहीं सुनता। मेरे लिए उसे पैसा खिला दिया जाता है जिसके ऊपर केस डाला जाता है कि उसके पास पैसा है, तो वो केस वहीं बंद हो जाता है या पुलिस वाले भी साथ नहीं देते। ये एक चीज मैं ऐड करूंगा कि पैसे से, पावर से, ताकत से रसूखदार बच जाते हैं आम आदमी। ये सब धीरे धीरे कैसे हुई? जब हम 47 में आजाद हुए उसके बाद एक संस्कृति बनानी चाहिए कि राजनीति में जाना अच्छा है, जो जा सकते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको हम प्रशंसा करें। धीरे धीरे 47 के बाद ये हवा बनी राजनीति में जाना बुरा है, और धीरे धीरे वो जो खाई पैदा हुई वो बदमाशों ने, चोरों ने, उन लोगों ने उसको भरा है। आज बीमारी इस तरह से पहुंची है, इसको इलाज करने के लिए टाइम लगेगा। पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो राजनीति में है वो उनको, जो राजनीति में जाने चाहते हैं उनको प्रोत्साहित दीजिए। दूसरे देशों में बहुत पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए हैं। आखिरी दौर है इस चर्चा का, और क्योंकि करप्शन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, और अगर इस देश को तरक्की करनी है, इस देश में महंगाई कम होनी है, इस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है तो करप्शन को मिटाना होगा। लेकिन क्या ये संभव है? दिस इज पॉसिबल 100%। एक जमाना था, आप जो लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, एक जमाना था जब हमारे देश को सबसे ईमानदार देश मानते थे। चाइना से आए भिक्षु, यहाँ बुद्धिस्ट के भिक्षु, उन्होंने वास्को डी गामा वहाँ आया था स्पेन से, उसने भी ये कहा। अमेरिका से मार्क ट्वेन आए, सब ने ये कहा था कि हिंदुस्तान सबसे ईमानदार देश है हमने जो देखा है। लेकिन क्या हो गया? कुछ कारण से आज हम सबसे भ्रष्ट में आ गए हैं। इसको हटाया जा सकता है, ये 3 रास्ते जो मैंने बताए हैं इसको करना है, और पहले कदम है कि किसी को निराश मत करिए, ये मत करिए, करप्शन हट नहीं सकता, हमारे खून में आ गई है, ये बोरी निकल नहीं सकता, ये प्रचार मत करिए। हमारा ये इनिशिएटिव है कि चाहे करप्शन हो, चाहे महंगाई हो, आम आदमी की भागीदारी होनी चाहिए और मुद्दों पर सवाल जरूर खड़े होने चाहिए और इन तमाम मुद्दों के सॉल्यूशन भी होने चाहिए। आपका डॉक्टर स्वामी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का मुद्दा आपका, जिसमें हमने चर्चा की उस मुद्दे पर जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और आप भी इसके बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार, क्योंकि आप है भारत के भाग्य विधाता।